भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सोमवार को अपनी धार्मिक यात्रा पर कान्हा की नगरी वृंदावन आए। उन्होंने सबसे पहले वृंदावन मार्ग स्थित श्री पाद बाबा गौशाला में बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर आशीर्वाद लिया, तो वहीं वृंदावन पहुंचने पर भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा उनका माल्यार्पण और शॉल उड़ाकर जोशीला स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने संगठन की मजबूती के बारे में जानकारी दी। वहीं मंत्री स्वाति सिंह द्वारा सीओ को हड़काने के सवाल पर कहा कि संगठन हो या फिर सरकार या फिर अधिकारी, हम सभी का दायित्व बनता है कि सरकार में रहकर गरीबों की सेवा करें। वहीं यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बयान के सवाल पर वो चुप्पी साधते हुए सिर्फ राधे राधे कहते ही नजर आए। मंडल अध्यक्ष चुनाव, जिले का भी चुनाव होने वाला है और संगठन में अच्छे लोग चुन कर आवे और आगे संगठन अच्छा चले, इस समय मेरा यही काम चल रहा है। और स्थानीय निकाय स्नातक का चुनाव चल रहा है, जो वर्तमान में राज्य के अंदर प्रबंध समिति के लोगों की बैठक हो रही है और चुनाव की संपूर्ण तैयारियां हो रही हैं। जो स्नातक का है, शिक्षक का है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता चुनाव में लगें, मतदाता बना और चुनाव में लगें। अभी आपने अच्छे अध्यक्ष होंगे, अच्छा होगा, कोई मापदंड है क्या? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो होंगे वो अच्छे ही होते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर गरीब के लिए सेवा करते हैं और राष्ट्र के लिए संपूर्ण काम करते हैं। स्वाति सिंह जी ने जो मतलब सीओ को डांट लगाई थी, उसके बारे में क्या कहना है आपका, जब योगी जी ने संज्ञान लिया है इसका? क्या है क्या नहीं है, कुल मिलाकर मेरा यही मत रहता है कि हम सबका दायित्व है, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, अधिकारी हो चाहे मंत्रीगण हो, संगठन के कार्यकर्ता, हम सभी का दायित्व बनता है सत्ता के समय गरीबों की सेवा करना और संपूर्ण गरीबों की योजनाएं उनके तक पहुंचे, वो लाभ पहुंचे, किसी गरीब को तकलीफ न हो और कष्ट न हो, यही हम सबका मकसद है, यही उद्देश्य, इसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं। तो थोड़ी बहुत जो बात होती है तो मैं ही सभी से आग्रह करूँगा, राज्य के भी लोगों से, कि हमेशा सर पर बर्फ रखो, मुँह में शक्कर रखो, ठंडे दिमाग से सोचो और मीठा बोलो। अभी आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मतलब पीछे चल रहा है पूरे भारत में, संगठन हमारा आगे चल रहा है, अभी 12 चुनाव में 9 जीता हूँ, आगे अब 2022 की हमारी तैयारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। राधे राधे, नहीं कानून व्यवस्था नहीं, फिर भी राधे राधे नेता और आप राधे राधे।